हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल देसी स्टाइल किचन। जैसा कि मैंने अपनी पिछली वीडियो में अखनी पुलाव के साथ आपको बताया था कि हम किस तरीके से दही और क्रीम के मिश्रण से एक स्पेशल चटनी को तैयार करते हैं, उसकी रेसिपी आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने जा रही हूँ। ये मैंने लिया है करीब 200 ग्राम के करीब दही लिया है, 3 चम्मच मैंने ये मलाई ली है जो कि घर का जो दूध आता है उसी के ऊपर की जमी हुई मलाई है, 3 हरी मिर्च ली है, 1/2 चम्मच के करीब मैंने नमक लिया है और 1/2 चम्मच के करीब मैंने चाट मसाला लिया है। चाट मसाला ऑप्शनल है, अगर आप चाहते हैं डालना तो डाल सकते हैं, और हरी मिर्च भी अगर आप तीखा खाना पसंद करते हैं तो 1 आदि कम या ज़्यादा कर सकते हैं। तो ये किस तरीके से मैं तैयार करूँगी ये मैं अब आपके सामने आपको बता देती हूँ। मैंने मिक्सी का जार लिया है, उसमें मैंने ये जो 3 चम्मच मलाई ली है इसको ऐड कर रही हूँ। साथ ही मैं 4 से 5 चम्मच के करीब दही ऐड करूँगी। दही मैं अभी सारा ऐड नहीं करूँगी क्योंकि अगर मैंने सारा दही ऐड कर दिया और उसे मिक्सी में एक बार मैंने चला दिया तो सारा दही वो पतला हो जाएगा और मेरी जो चटनी बनेगी वो पतली पतली बनेगी, इसलिए मैं सारा दही ऐड नहीं करती हूँ। जो पीसने के बाद जो मिक्सी में मिश्रण बनता है उसको मैं इसमें ऐड करूँगी। तो मैं इसमें जो मैंने अपनी हरी मिर्चें ली हैं 3 वो ऐड कर रही हूँ, मैं अपना चाट मसाला और नमक ऐड कर रही हूँ और मैं इन सारे इंग्रेडिएंट्स को एक साथ पीस लूँगी। देखिए मैंने इसको मिक्सी में पीस लिया है और ये इस तरीके का एक पेस्ट तैयार हो गया है और मैं इस पेस्ट को अपने बचे हुए दही में ऐड कर दूंगी। और इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ये क्रीम और दही के द्वारा दोनों का मिक्स करके बनाए गए अखनी पुलाव के साथ खाने वाली स्पेशल चटनी है। देखिए आप इसके थिकनेस और क्रीम की वजह से इसका टेक्सचर कितना बहुत बढ़िया लग रहा है। आप इस रेसिपी को अपने घर में ट्राई ज़रूर करें और बताएं कि आपको कैसी लगी, और प्लीज़ कमेंट ज़रूर करें कि आपको कैसी लगी उसके बारे में ज़रूर बताएं, जिससे मुझे भी बहुत अच्छा लगेगा, बहुत सपोर्ट मिलता है अगर आप सारी चीज़ों को वीडियो को देखते हैं और कमेंट करते हैं। तो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।